हेलो गाइस, तो आ चुके हैं फिर से एक और नई वीडियो में। और आज हम अपने स्क्वाड के साथ खेल रहे थे, हमारी नल्ला स्क्वाड के साथ। तो हमने इनको पहले ही बता दिया था कि भाई लोगों, समय समय पर रिवाइव करना, जो कि आप लोग को पता है, क्योंकि हम नूब हैं और रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है, और हमारे साथ रहना। ये बात हमने इनको बता दी थी पहले से ही। तो चलिए पहले तो हवा महल में चलते हैं अपन, क्योंकि हमारी नल्ली स्क्वाड को करने थे किल, जो कि उनको मिल नहीं रहे थे, क्योंकि सारे किल चुरा लेते हैं कोई और बंदे, क्योंकि हम तो नूब हैं, हमसे तो किल करते बनता नहीं। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि मिरर वर्ल्ड में किल कैसे करते हैं और लास्ट तक सरवाइव कैसे करते हैं। तो मिरर वर्ल्ड में सबसे पहले उतर के हमको मिलती है यहाँ पर डीपी। डीपी मिलते ही सामने बंदा दिखता, लेकिन सारा घुटनों पे आ गया था, इसको हमने पूरा कर दिया। फिर हमने डीपी रोल आउट कर दी, इतने में हमारे बंदे की खबर आ गई बेचारे की। फिर हम गए, हमें एक बंदा देखा, हमने आगे टीपी पी ली, कैंप किया, भगता है साला किसी और को मारने में, हमने उसको भर दिया और उसको पूरा भी कर दिया हमने। फिर हमने यहाँ पे दबा के लूटा, बहुत लूटा, आप सोच नहीं सकते इतना लूटा, क्योंकि कुछ लूटने को था ही नहीं भाई वहाँ, जितना जो कुछ भी था सब कुछ हमने ही लूट दिया। उसके बाद हमारे बंदे पता नहीं किसको मार रहे थे, हमने गन रीलोड करी और फिर हम आगे बढ़ने लगे। बहुत फायरिंग की आवाज़ आ रही थी चारों तरफ से, तो मैंने कहा फॉलो मी, हमारे पास आओ। इतने में हमारे बंदे को एक बंदा आधा कर देता है, मैं उसको रिवाइव देने जाता हूँ। जब तक मैं इसको रिवाइव दे रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और गाइस शेयर कर दीजिए वीडियो को, सपोर्ट करिए गाइस प्लीज़। तो अपने बंदे को रिवाइव देने के बाद हम जाते हैं आगे, यहाँ पे हम कैंप करते हैं, मेरा मतलब टीपीपी लेते हैं, आप अपने समझिए। और ये बंदा जैसे ही हमको अपनी मुंडी दिखाता है, साले को ऐसा लेजर स्प्रे मारते हैं, नॉक हो जाता है। और जैसे ही नॉक हुआ, मजा आया और हमने और हमारी नल्ला और मैं स्प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर रश करते हैं, हमारा ये बंदा बहुत आगे आगे रहता किल चोरी करने के चक्कर में, लेकिन आखिरी में होता क्या है, साला घुटनों पे जाता और हमको ही मारने पड़ते हैं दोनों बंदों भाई। देख लीजिए हम कितने प्रो हैं, हमें कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम यहाँ दबा के लूटते हैं जितना हो सके उतना, क्योंकि लूट बहुत ज़रूरी है, लूट के बिना कुछ नहीं हो सकता पबजी में। फिर हमें आगे से बहुत सारी फायरिंग के साउंड आ रहे थे, हमें बंदे स्पॉटिंग करने लगते हैं हम, और मैंने इसको खोल के बंदे देखे, मार्क लगाने के चक्कर में उसको मार नहीं पाया। फिर हमने सोचा क्यों ना इनके ऊपर फ्लैंक करते हैं, तो हम पूरा फ्लैंक करके जाते हैं इनके ऊपर, फिर आगे देखिए क्या होता है। तो गाइस, आपके पास जब भी अच्छी लूट हो और आप किसी बंदे को मारने जाएं, तो हमेशा पहाड़ों के रास्ते जाइए। अगर बंदे ने आपको नॉक भी कर दिया गलती से, तो आप कम से कम नीचे कूद सकते हैं, आपके पास आपकी लूट पर्याप्त रहेगी, आपके पास से आपकी लूट नहीं जाएगी। ऐसी टिप्स आपको कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, ये टिप्स सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ आपको। और ऐसी टिप्स और भी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अब देखिए आगे बंदे, ये मैंने स्प्रे मारा, ये मेरा पूरा हक दिया स्प्रे। फिर हमारे बंदे ने उसको डैमेज दिया, कहता भाई भाई आगे जा, बहुत डैमेज है। हम ठहरे नूब, और ये देखिए क्या नशा कर लिया हमारा स्कोप ने, और इसने साले ने हमको आधा करवा दिया। लेकिन खुशी की बात तो ये है भाई कि 4 सेकंड बचे थे और हमें हम बचे। तो देखिए गाइस, इस तरह सर्वाइव करना है मिरर वर्ल्ड में, समझ गए ना आप? तो समझ गए हो तो इस वीडियो को लाइक करिए।